नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। अब वक्त चुनावी हो तो चुनावी दौर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। इस बार इतिहास में एक नारा दर्ज हो गया है और वो नारा है सीएम योगी का नारा, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा जब से योगी आदित्यनाथ ने ऊंची आवाज में बोला था तब से विपक्ष में खलबली मची हुई है। जैसे ही ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होठों से निकला वैसे ही विपक्षी दलों ने इसे चीर फाड़ कर रख दिया। समाजवादी पार्टी तो जैसे इस नारे को अपनी राजनीति का नया टारगेट ही मान चुकी है। अखिलेश यादव ने इसे सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो नीति से जोड़ा। तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव के फोटो के साथ विशालकाय होर्डिंग सपा दफ्तर के बाहर और लखनऊ शहर में दिखाई दी। देवरिया जिले के सपा कार्यकर्ता विजय प्रताप ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगवाया जिस पर लिखा था जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं फिर अब कांग्रेस भी इसे और तूल दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे के खिलाफ पूरी ताजगी के साथ मोर्चा खोला और प्रधानमंत्री मोदी और योगी को घेरते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सुरक्षित है, आपको किसे काटना है? ये वही लोग हैं जिन्हें हमें आजादी दिलाने वाले नेताओं को मार डाला। अब देखा जाए तो खड़गे का ये बयान तो जैसे भाजपा के दिल में घुसकर पलटवार कर रहा हो। उन्होंने कहा कि ये नारा नहीं बल्कि एक बांटने की राजनीति का टूल है जो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है। अब जब सब बोल रहे हैं तो बसपा प्रमुख मायावती कैसे चुप रह सकती थी? वो भी बोली बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र में तो इस नारे ने भाजपा के सहयोगी दलों की नींदें उड़ा दी हैं। अजीत पवार और शिंदे गुट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई महाराष्ट्र में ये नारा तो नहीं चलेगा। मगर कहा जाए यानी कि मगर चाहे कुछ भी हो जाए, सोशल मीडिया पर योगी जी के नारे ने एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है। एक अलग ही चर्चा का विषय यह नारा बना हुआ है। इस नारे पर मीम्स की भरभार है, यानी कि मीम्स भर भर कर सोशल मीडिया पर इस पूरे नारे को लेकर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने तो इस नारे को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन जो असली मुद्दा है वो यही है कि भाजपा इस नारे के जरिए सिर्फ अपनी राजनीति को और तेज करना चाहती थी और वो जहां तक ये काम कर चुकी है। योगी का बटोगे तो कटोगे नारा चुनावी दौर में भाजपा के लिए एक शस्त्र जैसा साबित हुआ है, लेकिन इसका जवाब विपक्ष ने सिर्फ विरोध करके नहीं किया बल्कि अपने अपने मजबूत नारों से बीजेपी को चुनौती भी देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि इस नारे को राजनीति कितना दूर ले जाती है और राजनीति में इस नारे का कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।